नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह सिरसा अपडेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रात को एक गरीब के घर में फोर्स आई है, इतने सिपाही इतने सैनिक आए हैं, क्या लेने के लिए आए हैं? सिरसा अपडेट की टीम पहुंची है रात को सुखचैन कॉलोनी के अंदर। यहां हमें पता चला था, हमें खबर मिली थी कि सैकड़ों की संख्या में सैनिक फोर्स यहां पे पहुंची है। ये फोर्स एक गरीब के घर में पहुंची है, क्यों पहुंची है इसकी जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हैं सुखचैन कॉलोनी। आप देख सकते हैं मेरे साथ लाइव जुड़े रहे, और जो भी साथी जुड़े हैं वो वीडियो को साथ साथ शेयर कर दे। दोस्तों, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में फोर्स है, ये क्या लेने के लिए आई है, कौन है ये लोग, हम इनसे जानकारी लेने के लिए कोशिश करते हैं। आओ दोस्तों, देखो आप लाइव साथ साथ वीडियो शेयर कर दे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी, कौन हो आप लोग? हम जी सेवादार हैं, डेरा सच्चा सौदा से। डेरा सच्चा सौदा के? जी जी। या जो फोर्स दिखाई पीछे के है, सात सतनाम जी, ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग, या फोर्स है भाई। रात के अंदर, रात ने देख लो, 9 बज रहे के 10 बज रहे हैं, मेरे खबर आई थी कि फोर्स है, सैकड़ों सिपाही है, गरीब के घर में पहुंचे हैं, के कर रहे हैं ये सा सतनाम जी, ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स। हाँ जी, क्या कर रहे हो आप लोग? हम एक जरूरतमंद परिवार का मकान बना के दे रहे हैं। जरूरतमंद का, गरीब आदमी का? हाँ जी, खबर तो मैंने मिली थी गरीब आदमी का, मैं फोर्स है तो मैंने न्यू कौन बेरा था भाई, के करो था मैं। अच्छा, ये मकान जो बना के दे, वो ये किसके उस पर दे रहे हो बना के? वो देखो जी, ये सात संगत ने मिल के, जो भी गरीब परिवार है उसका शो करे हैं, मिल के सात संगत ने अपना पैसा इकट्ठा करके और ये मकान बना। पैसे भी तारे? हाँ जी, और काम भी तम का आप कर रहे हो? हम आपको दिखा देंगे। एक और भाई साहब, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मंगत राय मित्तल है जी। हाँ जी मित्तल साहब। हाँ जी, मैं शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग का मेंबर हूँ एक। अच्छा जी। पिताजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के वचना अनुसार, गरीब की मदद करने का उनकी प्रेरणा है, उसके अनुसार ही आज ये कड़ी है उसकी, कि उसके गरीब को मकान बना के दिया जा रहा है, गरीब आदमी का मकान। सात संगत के पैसे से ये काम चल रहा है। पैसे भी आप लगा रहे हो? पैसे भी हम लगा रहे हैं, काम भी आप कर रहे हो, और रात के 10 बज रहे हैं तो ये तो दिन रात चलता है जी। दिन रात करते हो? दिन रात करते हो, और ये 5-7 दिन में ही तैयार करके दे देते हैं। मित्तल साहब, अगली बात आप तो बाद में करेंगे, पहले कैमरामैन मेरे साथ आओ भाई, देखो क्या काम चल रहा है, ये कदे वैसे वीडियो के चक्कर में तो नहीं बना रहे, सच्चाई है कि नहीं? देखो भाई, ये मिस्त्री लग रहे हैं भाई साहब, आप देख सकते हैं मिस्त्री लग रहे हैं, 3 मिस्त्री तो ये लग रहे हैं, और लगभग 50-60 ये महिलाएं हैं इधर लग रही हैं, आदमी भी हैं इधर, जेंट्स भी हैं इधर, भी मिस्त्री लग रहे हैं। इधर भी आप देख सकते हैं 2 मिस्त्री इधर लगे हुए हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी। हाँ जी, क्या नाम जी? आत्माराम। आत्माराम जी। हाँ जी। आत्माराम जी, कहाँ से हो आप? मैं सुखचैन कॉलोनी से हूँ जी। क्या हॉस्पिटल में काम करता हूँ, आई डिपार्टमेंट में। आई डिपार्टमेंट, डॉक्टर हो आप? हाँ डॉक्टर। रहता लग रहा है? हाँ जी। ये हम सेवा कर रहे हैं जी, पूज्य गुरु जी की प्रेरणा से हम गरीब भाई को मकान बना के दे रहे हैं, तो उसमें हम सेवा कर रहे हैं जी। दोस्तों, ये मजदूर नहीं है, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, और ये डॉक्टर है जो रात ने यहाँ पे सेवा कर रहा है, और आप और भी साथी हमारे साथ होंगे, आप देखेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम। हाँ जी, क्या नाम आपका? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी, आप क्या काम करते हो? क्वालिफिकेशन से टीचर हूँ। टीचर हो आप? हाँ जी। हाँ जी। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ सेवा के लिए आ गए थे, जैसे मैसेज पहुँचा था कि गरीब परिवार का मकान बना के देना है। हाँ हाँ। तो जैसे गुरु जी ने शिक्षा दी है, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसान है, ठीक है, तो कोई गरीब परिवार है उसका मकान बना के देना, या गरीब किसी भी तरह से गरीब लड़की शादी करना। हाँ। तो मैसेज आया था कि मतलब ऐसे ऐसे बात, परिवार के लिए मकान बना के देना है, तो उसी टाइम में हम आ गए। ये फ्री में बना रहे, फ्री में सेवा कर रहे हो? हाँ जी। ये मिस्त्री भी लग रहे हैं, मिस्त्री साथी से पूछते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? पोषण लाल नाम है जी। पोषण जी, कितनी दिहाड़ी पै रहे हो? जी झाड़ी जूड़ी कुछ नहीं लेते, हम सेवा करते हैं जी। फ्री में? फ्री में। मिस्त्री भी फ्री जी? दिन में काम करते हैं, रात को सेवा करते हैं जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल, देख सकते हैं आप, डॉक्टर भी है, मास्टर भी है, मिस्त्री भी है, फ्री में सेवा कर रहे हैं, वाकई काबिले तारीफ है इनका, तारीफ है इनका जज्बा। आप देख सकते हो इधर भी मिस्त्री लगे हुए हैं, ये जो महिलाएं हैं इनमें से अभी हम कोशिश करेंगे किसी से बात करने की। तो आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, कहाँ कहाँ से आए आप लोग, हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम आपका? नाम तो बताओ। सुनीता। कहाँ से आए हो? सुखचैन कॉलोनी से। सुखचैन कॉलोनी से हो, तो रात ने सेवा करने खतरे हो? हाँ।
तो आप देख सकते हैं जो घरेलू महिलाएं हैं वो भी आई हैं, डॉक्टर भी आए, मास्टर भी आए, मिस्त्री भी आए, मजदूर भी आए, हर तरह के लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप देख लो ये मसाला भी तैयार किया जा रहा है, बिल्कुल जो 100% यहाँ पे मकान बना के दिया जा रहा है, और एक गरीब आदमी को, गरीब परिवार को ये मकान बना के दिया जा रहा है। और भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। राम राम भाई साहब, आइए आइए। राम राम, क्या नाम है? देखिए किरण बलजीत। बलजीत जी, क्या कर रहे हो यहाँ? सेवा पे आए थे। अच्छा, गरीब परिवार का मकान बना के देने थे, जैसे हमें मैसेज लगा हम सेवा पे आए थे। ये डेरा सच्चा सौदा के गुरु जी बाबा राम रहीम जी की शिक्षा पे चलते हुए इन गरीब परिवारों का मकान बनाना, गरीब का इलाज करवाना, ब्लड डोनेट करना, अच्छा किसी गरीब को राशन देना, जो परिवार को विधवा का मकान बनाना, तो ऐसे सारे काम हम डेरा सच्चा सौदा के गुरु जी के हुक्मानुसार, उनके वचन अनुसार हम करते हैं। वाह जी वाह, बिल्कुल काबिले तारीफ है ये सेवादार, काबिले तारीफ है इनके गुरु जी जो इनको ऐसी शिक्षा देते हैं। जो कि देखो, रात को 10 बजे किसी को टाइम नहीं है, हर कोई भी इंसान अपने शरीर का बाल नहीं दे सकता, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये लोग हैं कि अपना ही पैसा लगा रहे और अपने आप ही यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, अपने आप ही यहाँ काम कर रहे हैं। मित्तल साहब से एक बार और बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी मित्तल साहब। हाँ जी भाई, आप मकान बना के दो, उस भाई ने बताया ब्लड डोनेट भी करो हो, पेड़ पौधे भी लगाओ हो, गरीब की लड़की की शादी करो, और क्या क्या सेवाएं करें आपकी तरफ से? हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा सेवा होती है, जो गरीब है कोई किसी का इलाज नहीं होता, साथ संग उसका इलाज भी करा चुका है। पक्षियों के लिए पानी दाना सारी चीज़ वो डालती ही है। इसी तरह मानवता भलाई के और भी बहुत कार्य है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सारे कार्य गुरु जी की शिक्षा पे ही चलते हैं। अच्छा, गुरु जी की शिक्षा दी, सफाई अभियान होते हैं, हाँ ये सारे उसी के अंतर्गत है। इसको 160 मानवता भलाई कार्य है, 160 तरह के इस तरह के काम करें। एक काम तो यहाँ पर देख सकते हैं, लाइव देखा है, बिल्कुल इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई दो राय नहीं है। यहाँ सैकड़ों लोग लग रहे हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, लगे हुए हैं यहाँ मकान बना रहे। एक काम तो हमने देख लिया, और 160 काम आप बता रहे हो। हाँ जी, ब्लड डोनेट करना, किडनी डोनेट करना, ये भी सारे उसी कड़ी में आते हैं। सफाई अभियान चलाना, अपना राशन देना किसी को, पक्षियों की देख रेख करना, पौधे लगाना, ये सारे उसके अंतर्गत। मित्तल साहब, लाखों लोग हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं इस पे मीडिया पे, इसमें क्या है जो आपने सेवा कार्य बताई है? गरीब आदमी बहुत हैं, परिवार बीमार भी हैं, तो कोई आपसे जुड़ना चाहे, आपकी संस्था से जुड़ना चाहे, तो कैसे जुड़ सकता है? वो ऐसे जुड़ सकता है, वो डेरे से आए, नाम दे, नाम शब्द ले, गुरु जी से मिले, और फिर ऐसा होता है कि हमारी एक कमेटी होती है, उसको एक एप्लीकेशन दे, फिर उसका सर्वे होता है, फिर उसको दिया जाता है, अपना जो भी कार्य उसका करना है वो किया जाता है। ऐसा नहीं कोई सीधा ही किसी आ गया और वो कह रहे मेरा मकान बना दे, उसका नहीं बनाएंगे? ऐसे नहीं होता जी, वो तो फिर सारा पास तो करना पड़ता है, कमेटी तो सर्वे करती है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, इनकी जो कमेटी है वो पूरी तरह से सर्वे करती है, 100% अगर जेनुअन है, जरूरतमंद है, उसका इलाज भी करवाया जाता है, उसकी लड़की की शादी भी करवाई जाती है, उसका मकान भी बनाया जाता है, जो जिसको जिस चीज़ की जरूरत है, जो जिस चीज़ का जरूरतमंद है, उसकी सारी सुविधाएं, उसको सारे की सारी जो उसको उसका सहायता मदद की जा सकती है। भूखे को अन्न खिलाया जाता है, प्यासे को पानी पिलाया जाता है, गर्मी के मौसम में इन्होंने क्या नाम है पक्षियों के लिए पानी भी रखा। मैं पिछले साल जी कुछ बाढ़ में भी गए थे आप लोग? हाँ जी, गए थे, बाढ़ जब आई थी बाढ़ में हम गए थे, हमारे ये सैनिक जितने भी अग्रिम थे सारे, हाँ पूज्य पिता जी के हुक्म अनुसार वहाँ सारे पहुँचे थे। अच्छा, नहीं आपने जो वर्दी पहन रखी, कोई ट्रेनिंग दे रखी है? हाँ जी, इसकी ट्रेनिंग दरबार में ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे आग बुझाने तैरने की, हाँ। जो भी सेवाएं हैं, जो भी ग्रीनर्स की जिसे अपने फोर्स करती है, उसी हिसाब से हमारे को ट्रेनिंग दी। ये जो फोर्स बनी है मानवता भलाई के लिए बनाई है, जैसे इन भाई साहब ने बताया है, ये मानवता भलाई के कामों के लिए की है, चाहे कहीं बाढ़ आ जाए, चाहे कहीं आग लग जाए, किसी गरीब का मकान बनाना है, उसमें ये फोर्स बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है और उन गरीबों की, मजलूमों की, जरूरतमंदों की मदद करती है। तो आज हमें जो रात को 10 बजे हमें पता चला था कि सैकड़ों की संख्या में गरीब के घर में एक फोर्स पहुंची है, तो हमें भी अचंभा हुआ था कि हुआ क्या है। हम यहां पहुंचे तो यहां नज़ारा ही कुछ और था, लेकिन जो नज़ारा देखा है बड़ा मज़ा आ गया। ऐसा पहली बार देखा हमने, ऐसा कभी नहीं देखा। कोई भी इंसान किसी के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन ये देखो सैकड़ों की संख्या में पुरुष भी है, महिलाएं भी हैं, यहाँ गरीब का मकान बना के दे रहे हैं। हमें तो अच्छा लगा, मैं सैल्यूट करता हूँ दिल से इन सेवादारों को सबको, और दिल से सैल्यूट करता हूँ इनके गुरु जी को जो इनको ऐसी शिक्षा देती है देते हैं। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और आपको अगर इनकी नीतियाँ अच्छी लगती हैं तो ज़रूर इनसे मिलें, ये अच्छे लोग हैं। मेरे को तो जैसे पता चला है कि ये मास्टर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, मित्तल साहब है अपना बिजनेस है, ये भाई साहब भी मेरे ख्याल से मिस्त्री हो आप? हाँ जी मिस्त्री।
मिस्त्री हैं, तो हर तरह तबके का, हर कोई जाति पाति भेद नहीं है इनके अंदर, कोई धर्म का भेद नहीं है, हर इंसान से प्रेम करते हैं जैसे इनको हमने देखा। तो दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और भी अच्छा लगा तो इनसे आके मिलें, डेरा सच्चा सौदा में जाके मिलें, गुरुजी के जो वचन है वो सुने। अगर आप भी चाहते हैं समाज की भलाई के काम करना तो इनसे जरूर जरूर जुड़ो। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह सिरसा अपडेट की तरफ से आपको, इन सेवादारों को सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद सर।